अदाकार फिरोज खान की इंतकामी कार्रवाइयां जारी। बीवी से झगड़े का बदला पूरी इंडस्ट्री से ले लिया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि फिरोज खान और उनकी बीवी अलीजे सुल्तान में तलाक हो चुकी है। उसके बाद अलीजे की जानिब से तशद्दुद के इल्जामात पर पूरी शोबिज इंडस्ट्री ने फिरोज खान का बायकॉट कर दिया। ना सिर्फ बायकॉट किया बल्कि उनके साथ काम करने से भी इनकार कर दिया, जिनमें सर फहरिस्त इकरा अजीज हैं। जिसके बाद फिरोज खान इस कदर बदले की आग में जल रहे हैं कि उन्होंने अपने साथी अदाकारों के नंबर पब्लिक कर दिए हैं, जिसके बाद उन अदाकारों की जिंदगी मुश्किल में आ गई है। हर कोई इन अदाकारों को कॉल्स करके और मैसेज करके ड्रामों में काम दिलवाने की सिफारिश कर रहा है, तो कई इन अदाकारों को काम ना दिलवाने पर धमकी भी दे रहे हैं, जिनमें सर फहरिस्त यासिर हुसैन शामिल हैं। यासिर हुसैन ने अपना नंबर आउट करने पर फिरोज खान को खड़ी खड़ी सुना दी है। यासिर हुसैन का कहना है कि फिरोज खान को इस अहमकाना हरकत पर शर्म आनी चाहिए। फिरोज खान की इस हरकत की वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यासिर हुसैन ने मजीद लिखा कि एक बेवकूफ आदमी ने पहले अपनी बीवी को मारा और फिर हमारे नंबर आउट कर दिए। इसकी वजह से लोग हमें फोन कर करके ड्रामों में काम मांग रहे हैं, वरना धमकियां मिल रही हैं। फिरोज खान को अपने इस बेवकूफ़ी पर शर्म आनी चाहिए। ख्याल रहे कि अदाकार फिरोज खान ने बदनाम करने पर साबिक अहलिया अलीजे फातिमा सुल्तान समेत मुतअद्दिद शोबी शख्सियात को कानूनी नोटिस भिजवाते हुए 15 दिन के अंदर तहरीरी माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है।